नमस्कार साथियों, आज मैं एक और लीगल वीडियो के साथ आपके बीच में हाजिर हूँ। मैं एडवोकेट योगेश शाह और आप जुड़ चुके हैं RY लॉ फर्म के साथ एक ऐसे लीगल प्लेटफॉर्म पे जहाँ आपको लीगल संबंधी जानकारियाँ समय समय पे हमारे द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, आज का जो टॉपिक है वो है बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट के बारे में कि जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र कौन जारी करेगा, अब किसके अंडर में ये जो है तो पावर हो गया है जारी करने का। हाल ही में MP हाई कोर्ट ने एक रिट पिटीशन में जजमेंट सुनाया है जो है कि 2021 का मामला था, कालू खां वर्सेस स्टेट ऑफ MP एंड अदर्स का मामला था, जिसमें जो है कि पहले जो ये पावर थी जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का, वो जो है कि अब ये पावर दे दिया गया है किसको, अपने जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को, यानी जो कि ये पहले पावर थी तहसीलदार को, अब भी जो है तो ये पावर जो है दे दिया गया है किसको, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को। अब ये हम समझेंगे कि क्या कंडीशन है, किस कंडीशन में हम इस चीज़ को जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे और कब जो है तो हम तहसीलदार के यहाँ जाएंगे आवेदन करने। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ मैं। डेथ सर्टिफिकेट अगर जारी हुआ या बर्थ सर्टिफिकेट जारी हुआ तो एक अधिनियम के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं वो, तो बर्थ या डेथ सर्टिफिकेट डेथ अधिनियम 1969, इसमें जो है कि 13(3) का स्पष्ट मैं आपको प्रोविज़न बताना चाहूँगा। सेक्शन 13(3) ऑफ बर्थ डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1969, जिसमें ये चीज़ें स्पष्ट कही गई हैं उस प्रोविज़न में कि अगर एक साल के भीतर का अगर मामला होता है, यानी अगर किसी का जन्म हुआ और वो एक साल के भीतर जो है तो किसी कारण से रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं करवा पाया या रजिस्ट्रेशन करवाने की बात अगर आई उसको, तो वो किसके पास जाएगा, रजिस्ट्रार और जो होते हैं तहसीलदार हो गया या जिसको अपॉइंट किया जाता है ऐसे रजिस्ट्रार के अकॉर्डिंग, उनके पास वो आवेदन करेगा। अब अगर वो किसी कारणवश से एक साल के भीतर अगर आवेदन नहीं कर पाता है तो फिर अब उसके पास एक ये पावर हो गया है सेक्शन 13(3) के अकॉर्डिंग कि वो अब जो है किसके पास जा सकता है आवेदन लेके अपना, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास पूरा उसका चेक करेगा, करेक्टनेस पूरा चेक करेगा, क्या है क्या सही है कहाँ पे क्या हुआ सारा चीज़ें, उसका गवाही वगैरह लेगा, सब कुछ चेक करने के बाद एक प्रिस्क्राइब पेमेंट करने के बाद फीस देने के बाद जो है तो मजिस्ट्रेट उस केस को रजिस्टर करेंगे। अब बात आती है कि इसके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेंगे, तो डॉक्यूमेंट्स के लिए मैं अगर आपको बता दूं, डॉक्यूमेंट में जो है सबसे पहला अगर 13(3) का आवेदन आप पेश करेंगे न्यायालय में, उसके साथ में जो आवेदक है जो उसका आधार कार्ड लगेगा, जो आवेदक है आवेदक का स्वयं का एफिडेविट यानी शपथ पत्र लगेगा, और अगर पंचायत एरिया का है वो तो जिसका डेथ हुआ है तो वो पंचायत एरिया का जो सरपंच होंगे उनके द्वारा इनके लेटर हेड पे ये लिखा जाएगा कि वो लिख के देंगे ये कि फलाने व्यक्ति जो था हमारे यहाँ ही निवासरत था इतने सालों से, फलाने का व्यक्ति का मृत्यु इतने तारीख को हमारे यहाँ इस गांव में इस जगह पे हुआ। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो कि आप जब पिटीशन फाइल करेंगे उस टाइम पे आपको ये देना अनिवार्य होगा। अब हम समझ लेते हैं कि इसमें प्रोसेस क्या होंगे, तो प्रोसेस ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट करके आप 13(3) के साथ में सारी चीज़ें कंप्लीट फाइल बना के आप जो है तो न्यायालय में पेश करेंगे। न्यायालय में पेश करने के बाद इसमें जो है तो न्यायालय में पेश करने के बाद मजिस्ट्रेट साहब इस चीज़ को पूरा चेक करेंगे क्या करेक्टनेस है क्या नहीं है, फिर उस चीज़ को रजिस्टर करेंगे। अब इसमें एक चीज़ मैं और बताना ऐड करना चाहता हूँ कि पार्टी आप किसको बनाएंगे, अगर पंचायत एरिया में है तो पहले तो आप जो आवेदक हो गए वो हो जाएंगे, और आवेदक के अनावेदक जो होंगे मतलब अप्लीकेंट तो वो व्यक्ति हो जाएगा जो अप्लाई कर रहा है, और अनअप्लीकेंट रिस्पोंडेंट जो हो जाएंगे यानी अनावेदक जो होंगे वो हो सकते हैं हर आम खास हो जाएगा, मतलब कोई भी व्यक्ति जो होगा वो हर आम खास का मतलब ये हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो है तो पूरे जनहित के लिए रहता है कि कोई भी आगे अपना किसी प्रकार कोई आपत्ति होता है तो वो अपना वहाँ पे दर्ज करा सकता है मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ। इसके अलावा जो है तो अगर पंचायत एरिया का है तो पंचायत का जो सचिव है वो हो सकते हैं, पंचायत के जो सरपंच रहें वो हो सकते हैं, इसके अलावा कार्यपालिक मजिस्ट्रेट जो है जैसे CEO जिला पंचायत सिलो CEO या जनपद ये हो सकते हैं, इसके अलावा आपका जो वहीं के आसपास के जो वहाँ गाँव के जो मेम्बर होंगे वो हो सकते हैं पार्टी,
और अगर हॉस्पिटल में वगैरह में हुए तो वहाँ के जो डॉक्टर होंगे या कोई अथॉरिटी पर्सन होंगे वो पार्टी हो सकते हैं। इसी तरह सेम आपका नगर निगम एरिया में भी जो है, तो शहरी एरिया में भी इसी तरह आपको पार्टी वगैरह बनानी होंगे। तो ये कुछ प्रोसेस थे। इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग ये मान के चलिए आपकी प्रिस्क्राइब फीस भी देना पड़ेगा न्यायालय में, कोर्ट फीस। और समय की बात तो मत कीजिए, समय तो इसमें बहुत लग जाएंगे क्योंकि कोर्ट में ऑलरेडी ही इतनी ज़्यादा पेंडेंसी पहले से ही रेगुलर केसेस की पड़ी हुई हैं कि जो है तो ये जो केसेस हैं ऑलरेडी ये थोड़ा सा डिले होंगे। लेकिन हाँ ये है कि इसमें भी बकायदा पूरा विटनेस होंगे, गवाही होंगी, गवाही होने के बाद पूरा अगर करेक्टनेस पाया जाता है कि हाँ ये व्यक्ति का सारा चीज़ें सही है तो मजिस्ट्रेट साहब जो है तो आपका इशू कर सकते हैं, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट हो या डेथ सर्टिफिकेट हो। तो वो थोड़ा सा डिले जरूर लगेगा लेकिन ये है कि ऑथेंटिक होगा और आपको मिल जाएगा सर्टिफिकेट। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे नए जानकारी के साथ, नए लीगल वीडियो के साथ। पसंद आया हो वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और पर्सनली अपॉइंट के लिए आप मुझे जो है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप कॉल करके मुझे मैसेज या व्हाट्सएप के जरिए या ऑन कॉल करके आप मुझे मुझसे बात कर सकते हैं। ये पेड फीस अप्लीकेबल है, पेड सर्विसेज है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।